तो वैसे देखो OTC का USD VRL पेयर है, उसका एक ऐसा बग बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप आज तक का जितना भी आपका लॉस है वो सारा का सारा जो वो रिकवरी कर सकते हो कुछ ही दिनों में। तो यहाँ पे देखो एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लगा रखा है, यानी कि दो ट्रेड मैंने यहाँ पे USD VRL के पेयर में प्लेस करके रखा है, ठीक है। तो देखो बग को यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले वीडियो को अच्छे से पूरा देखना तब जाके समझ आएगा, ठीक है। तो आधा अधूरा वीडियो मत देखना वरना फिर आपको कुछ समझ आएगा नहीं। तो यहाँ पे देख लो आपको दो चीज़ों का यूज़ करना है। सबसे पहले तो कैंडल स्टिक यहाँ पे जो आपको दिख रहा है उसका यूज़ करेंगे, देन अपना जो एक इंडिकेटर यहाँ पे लगा रखा है उसका भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो इंडिकेटर यहाँ पे लगा रखा है उसको मैं हटा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इंडिकेटर सेक्शन में जाना है यहाँ पे, उसके बाद मूविंग एवरेज आपको मिलेंगे उसको प्लेस करना है। तो यहाँ पे लाइन को थोड़ा मैं मोटा कर दूंगा, उसके बाद कलर जो है येलो कर रहा हूँ, तो आप जो भी चाहो ये कलर रख सकते हो। मूविंग एवरेज को मैंने अप्लाई इसीलिए किया है ताकि इसका जो यूज़ है हम सही तरीके से कर पाए। तो USD BRL जो अपना पेयर है वो OTC का पेयर है, ये जो अपना है बग चलता है वो ट्रेंड पे चलता है, ठीक है। तो ट्रेंड का यूज़ करके बग पे कैसे आप लोग प्रॉफिट बना सकते हो, सबसे पहले तो यहाँ पे ओनली ट्रेंड पे ही ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि भाई मतलब मार्केट अपना ऐसे हॉरिजॉन्टली चल रहा है ऐसे में ट्रेड नहीं करना। आपको जो ट्रेड करना है वो ऐसे मार्केट में करना है जब भी USD BRL का पेयर या तो अप जा रहा है या तो डाउन जा रहा है, तभी आपको जो वो ट्रेड करना है। तो यहाँ पे देख लो इसका ट्रेड करने का तरीका सबसे पहले आपको बता देता हूँ और जो भी बग है वो भी आपको अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको पीछे जाके दिखा दे, देखो जहाँ पे भी अप ट्रेंड बन रहा है ना, जहाँ भी अप ट्रेंड बन रहा है वहाँ पे आपको मार्केट अपना जो है वो ये जो अपना येलो लाइन है उसके ऊपर जब भी जाता है तब USD BRL के अंदर एक बग है जो आपको कोई नहीं बताएगा, बट यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो जब भी इस लाइन के ऊपर मार्केट जाएगा उसके बाद जब भी सिंगल रेड कैंडल बनेगा तो नेक्स्ट जो कैंडल है वो ग्रीन ही आने वाला है, बिकॉज अपना जो ट्रेंड है वो अप अप साइड है और यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो अप के लिए ही ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना जो एक ट्रेड चल रहा है उसको देख लेते हैं। तो ये चलो कोई बात नहीं, वो लॉस जाता है तो जाने दो, आप इस पे ध्यान दो अच्छे से समझो, ठीक है। जब भी अपना येलो लाइन के ऊपर मार्केट जाएगा उसके बाद जब मार्केट जो है वो सिंगल ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन करेगा तो आपको नेक्स्ट कैंडल ग्रीन के लिए ही जाना है, सिंगल रेड फॉर्मेशन करेगा तब नेक्स्ट ग्रीन के लिए जाना है। तो जब आप एनी टाइम मार्केट में जाके चेक कर सकते हो, जब भी इस ग्रीन लाइन के अपना येलो लाइन के ऊपर मार्केट होता है अप ट्रेंड में तो आपको एक सिंगल ग्रीन रेड मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल है वो पूरा रिवर्सल यानी कि ग्रीन के लिए मिलेगा। सेम चीज यहाँ पे सिंगल रेड देन वापस रिवर्सल मिल रहा है। और यहाँ पे आपको ये वाले बग में मार्टिंगन नहीं लेना, ठीक है। मान लो यहाँ पे देख सकते हो एक रेड बना उसके बाद आप यहाँ पे मार्टिंगन लेते तो लॉस जाता हो, तो यहाँ पे आपको मार्टिंगन नहीं लेना। आपको सही तरीके से यूज़ कैसे करना है वो भी बता देता हूँ, यानी कि जितना कम हो यानी कि आपका जो एक्यूरेसी है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आपको क्या करना है, जब भी सिंगल रेड बनता है तो आपको ग्रीन के लिए जाते हो। तो यहाँ पे देखो वन टाइम सेकंड टाइम, तो दो बार यहाँ पे हुआ तो तीसरी बार आप जा सकते हो। आपको वेट करना है कि प्रीवियस दो बार वर्क करे तो तीसरी और चौथी और पांचवी बार यानी कि पांचवी बार आप जा सकते हो। यहाँ पे दो बार वर्क किया तो तीसरी बार आप जा सकते हो, चौथी बार जा सकते हो, पांचवी बार भी जा सकते हो। तो सिंगल अपना रेड का वेट करना है और इस बात का ध्यान रखना कि अपना जो येलो लाइन है इसके ऊपर मार्केट होना चाहिए तो ये अपना जो है वो ट्रेंड अप माना जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको दिखा दिया पीछे मैंने, ठीक है। देख लो यहाँ पे भी वर्क कर रहा है, अगर ऊपर देखो तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें, अभी पीछे जाके भी दिखा देता हूँ फिर से, ठीक है। देख लो येलो लाइन अपना यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में आ गया, जैसे सिंगल रेड बना अपना ग्रीन कैंडल आ गया। यहाँ पे देख लो एरर मिल रहा है, पर जैसे बोला मैंने बोला कि मार्टिंगल आपको नहीं प्लेस करना। वापस देख लो अपना मार्केट जो ग्रीन के लाइन के ऊपर आ गया, येलो लाइन के ऊपर आ गया, जैसे सिंगल रेड बना वापस ग्रीन कैंडल आ गया। सेम चीज़ यहाँ पे जैसे ही सिंगल रेड बन रहा है वापस ग्रीन आ रहा है, देखो एक एरर यहाँ पे दिख रहा है बट आपको मार्टिंगल नहीं लेना, ठीक है। सिंगल रेड आया वापस ग्रीन आ गया, देख लो पीछे भी देख लो, यहाँ पे सिंगल रेड आया वापस ग्रीन आ गया, सिंगल रेड वापस ग्रीन, सिंगल रेड वापस ग्रीन, मार्टिंगल नहीं लेना। एक बात बार बार बोला हो, मार्टिंगल लोगे तो मार्टिंगल के चक्कर में लॉस हो सकता है, बट मार्टिंगल जितना हो अवॉइड करना मत लेना मेरे हिसाब से। तो पीछे भी जाके दिखा रहा हूँ, देख लो सिंगल रेड वापस ग्रीन, सिंगल रेड वापस ग्रीन, सिंगल रेड वापस ग्रीन, बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपना जो येलो लाइन है इसके ऊपर ही मार्केट होना चाहिए। जैसा कि देख सकते हो सारे के सारे जो कैंडल है वो येलो लाइन के ऊपर है तभी अपना जो ये वो वर्क कर रहा है। अगर येलो लाइन के नीचे मार्केट है तो समझ जाओ ट्रेंड डाउन है, येलो के ऊपर है देन ट्रेंड अप है। तो अप ट्रेंड में ही ट्राई करोगे तो अच्छे से आपको एक्यूरेसी मिलेगा।
सेम चीज़ यहाँ पे, सिंगल रेड देन ग्रीन, मार्टिंगर नहीं लेना ठीक है। पीछे भी दिखा देता हूँ, जहाँ पे अप ट्रेंड है आपको वैसे में ही देखना है, डाउन ट्रेंड में ये चीज़ ट्राई मत करना ठीक है। वापस यहाँ पे अप ट्रेंड यहाँ पे फिर से शुरू हुआ देख सकते हो, सिंगल रेड देन ग्रीन, सिंगल रेड देन ग्रीन, सिंगल रेड एक एरर, अगर अच्छा यहाँ पे आपको एंट्री मिलता है देन आप विन कर सकते हो। सिंगल रेड देन देख लो, गैप डाउन दिया उसके बावजूद भी विन देख सकते हो, सिंगल रेड देन ग्रीन। देखो पूरा 100% एक्यूरेसी किसी भी स्ट्रेटेजी में नहीं मिलेगा, एक दो एरर भी आपको देखने को मिलेंगे ठीक है। देख सकते हो सिंगल रेड देन ग्रीन, सिंगल रेड ग्रीन, सिंगल रेड ग्रीन, सिंगल रेड ग्रीन यहाँ पे भी ठीक है। तो जो पूरा मार्केट आप खुद भी एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो, उसके बाद जो है वो पहले डेमो में चाहो तो प्रैक्टिस कर लेना, सिंगल रेड ग्रीन ग्रीन, सिंगल रेड, उसके बाद वापस देख सकते हो ग्रीन कैंडल आ जाता है। तो ये देखो ये इसी लाइन का कमाल है ठीक है। प्लस अपना यूएसडी बीआरएल का जो अपना पेयर है उसमें ये चीज़ बार बार होता रहता है, तो अब जब भी ये चीज़ होता है, मतलब ऐसा नहीं कि हर टाइम वर्क करेगा, जब भी ये चीज़ फॉलो होने लगे उसी टाइम आपको करना है ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो फिर से अभी लाइव मार्केट अपना चल रहा है और ये चीज़ वापस शुरू हो चुका है, यहाँ पे सिंगल रेड देन ग्रीन आ चुका है। बट देख लो यहाँ पे जो है वो मार्केट येलो लाइन के ऊपर होना चाहिए, अभी तक तो इसके ऊपर है, बट ये जो कैंडल अभी अपना है वो येलो लाइन इसको क्रॉस किया, यानी कि अब मार्केट नीचे आ चुका है येलो लाइन के, तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं प्लेस करूँगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है ठीक है, ऐसे ही कहीं पे भी मत करना, जहाँ पे भी वर्क करना स्टार्ट हो वहीं पे आपको जो है वो इसका यूज़ करना है। तो आपको ये वाला बग अच्छा लगा हो तो आप लोग पहले डेमो में ट्राई करना ठीक है। मैंने इसका यूज़ किया है, मतलब अच्छे से वर्क कर रहा है, एक्यूरेसी 100% नहीं है, बट 70-80% एक्यूरेसी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बस मार्टिंगर मत लेना, मार्टिंगर नहीं लोगे देन इजीली प्रॉफिट बना सकते हो। तो ऐसे ही और बग चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वैसे ही आप लोगों को पता है कि हम जो है वो यहाँ पे गिव अवे देते रहते हैं वीडियोस में, जो भी अच्छे लाइक और कमेंट करते हैं उनको हम लोग गिव अवे देते हैं। तो हम लोग देख सकते हो आप हमारे टेलीग्राम में जाके विड्रॉल के प्रूफ भी मिल जाएंगे, प्लस आपको यहाँ पे हम जो भी गिव अवे देते हैं उसके स्क्रीनशॉट डायरेक्ट डाल देते हैं पब्लिक ग्रुप में, तो जाके यहाँ पे ज्वाइन हो जाना। और वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना है तो लिंक ऊपर पिन करके रखा है, वहाँ से अकाउंट बना के मेरे को मैसेज कर सकते हो। ऐसे ही बग पे सिग्नल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो भी आपका लॉस है वो रिकवरी इजीली कर सकते हो। तो चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऐसे ही और वीडियो डालता रहूँगा। देखो यहाँ पे मेरे को चांस नहीं मिला ठीक है, मार्केट अभी डाउन में है, डाउन डायरेक्शन में है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं कर पाया। अगर ऊपर रहता देन मैं लाइव आपको ट्रेड करके भी दिखा देता। तो नेक्स्ट वीडियो में अपना जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा, बड़ा बैलेंस भी रखूंगा, बड़े ट्रेड प्लेस करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को बस सपोर्ट अपना बनाए रखना। तो चलो फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।